धनिया उगाने के 5 गार्डनिंग हैक्स में आज आपको शेयर करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको धनिया उगाने के लिए फिर दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोरिएंडर के लिए परफेक्ट साइज पॉट, कौन सा सीज़न बेस्ट रहता है, वाटर कितना देना है और जल्दी उगाने का तरीका क्या है, पानी में उसको कैसे उगाना है, फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, सनलाइट कितनी चाहिए, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। कोरिएंडर हैक नंबर 1, और एक ही हैक के अंदर मैं बहुत सारी बातें शेयर करने वाला हूं, तो एक भी हैक कोरिएंडर का बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहली बात, अगर आपको कोरिएंडर के बीज खरीदने हैं तो डेफिनेटली लोकल शॉप्स पर ही जाना या फिर जहां पर किसान बीज खरीदने जाते हैं वहां पर जाकर आप सीड्स लेना। आपको बहुत एफिशिएंट, बहुत कम कॉस्ट में आपको ये सारे कोरिएंडर मिलने वाले हैं। और हाँ, अब इसको फास्ट ग्रो करने का तरीका आप देख लें। धनिया को, कोरिएंडर को फटाफट ग्रो करने का तरीका यही होता है कि उसको आप पानी में भिगो के रखें, पानी में सोख करके रखें ओवरनाइट, और उसके बाद आप इनको ग्रो करें तो 5 to 7 डेज़ में ये बहुत जल्दी जर्मिनेशन ले लेंगे। कोरिएंडर हैक नंबर 2, अब यहाँ पर जो आप सीड्स देख रहे हैं ये 2 तरह के हैं, एक स्प्लिट करे हुए हैं और एक पूरा सीड है। अब यहाँ पर जो पूरा सीड होता है दोस्तों वो बहुत समय ले लेता है, कम से कम 12-15-20 दिन भी ले लेता है, और स्प्लिट करा हुआ 5 to 12 डेज़ के बीच में ग्रो हो जाता है। कोरिएंडर का सॉइल मिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो 70% हमारी सॉइल है, 20% हमारा वर्मी कंपोस्ट है, और जो लास्ट में जो 10% है वो है लीफ कंपोस्ट। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट की डोज 30% कर देना। कोरिएंडर पॉट सेलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाइडर पॉट लेना है जिसकी डेप्थ कम से कम 6 to 7 इंचेस हो, मतलब आपका एक हथेली जितना हिस्सा उतना डेप्थ होना ही चाहिए, तभी आपके कोरिएंडर परफेक्टली ग्रो होंगे। कोरिएंडर हैक नंबर 3, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको कोरिएंडर स्प्रिंकल करके कभी भी ग्रो नहीं करना है, वो सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका होता है आप एक नाली बनाइए अपने टूल की मदद से, अपने हाथों की मदद से, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसके बाद आप अपने कोरिएंडर को ग्रो करिए, यही सबसे सही तरीका होता है। स्प्लिट करा हुआ धनिया कोरिएंडर जल्दी ग्रो होगा, अगर आपके पास नॉन स्प्लिट धनिया कोरिएंडर है तो उसको आप किसी भी पत्थर की मदद से या फिर आप अपने किचन में जाके बेलन की मदद से स्प्लिट करिए और उसको फिर ग्रो करिए। अब दोस्तों समय आ गया हमारे धनिया के बीज को कवर करने का, और यहाँ पर नाली की वजह से आपके हर कोरिएंडर के बीज को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा अपनी रूट्स फैलाने का, और जितनी ज़्यादा रूट्स फैलेगी उतना ज़्यादा आपको लीफ प्रोडक्शन मिलेगा, मतलब एक थोड़ी सी मेहनत के साथ आपको आपका धनिया बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। कोरिएंडर ग्रोइंग सीज़न, धनिया को उगाने का परफेक्ट सीज़न होता है दोस्तों विंटर सीज़न, बट आपने नोटिस करा होगा ये हर सीज़न आपको मिल जाते हैं आपके आसपास, चाहे वो सब्जी बेचने वाला ही हो या फिर बड़ी सी सब्जी मंडी। इसका मतलब ये है कोरिएंडर ऑल सीज़न ग्रोइंग प्लांट है, और आप इसको अगर समर सीज़न में ग्रो कर रहे हैं तो सनलाइट से थोड़ा सा दूर रखना है और विंटर में फुल सनलाइट में रखना है। अगर विंटर सीज़न है तो फुल सनलाइट में रहेंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और अगर समर सीज़न है तो आपको ब्राइट लोकेशन में रखना है जिससे इनकी ग्रोथ मेंटेन रहे। हमारे धनिया के छोटे छोटे पौधे दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं ग्रो होते हुए, और ये एक पर्टिकुलर लाइन में ग्रो हो रहे हैं तो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। नियरली 20 डेज हो चुके हैं और हमारे सारे कोरिएंडर की ग्रोथ आप देखिए कितनी ज़्यादा बूस्ट हो रही है, डबल हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोरिएंडर एक लीफी प्लांट है, इसके अंदर स्टेम बहुत ना के बराबर होता है, और सारे खरपतवार आप तुरंत रिमूव कर देना, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी खरपतवार ही खींच लेते हैं, सारे वीड्स आपको तुरंत रिमूव करने हैं, और पानी का मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करके रखना है समर सीज़न में। कोरिएंडर फर्टिलाइज़र, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोरिएंडर को कितने दिन में फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। पहले जब हमने सॉइल मिक्स बनाया था उसमें इन्होंने 20 दिन के अंदर न्यूट्रिएंट्स 90% एब्जॉर्ब कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है धनिया को
ग्रो करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स खींचता है सॉइल के अंदर से। तो 20 से 25 दिन के अंदर आपको फिर से वर्मी कंपोस्ट डालना है, जिससे इनकी ग्रोथ डबल हो जाए और आपको बहुत सारे ये धनिया के पत्ते दे। कोरिएंडर हैक नंबर 4। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कोरिएंडर को हार्वेस्ट करना है, और सही तरीका क्या होता है हार्वेस्ट करने का वो आप सीख लें। आपको कोरिएंडर का क्राउन बिल्कुल भी कट नहीं करना है, सिर्फ उसका लीफी पार्ट जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है वो कट करना है। यहाँ पर आप देखें कोरिएंडर की जड़ें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, इसका मतलब हमने क्राउन के जस्ट 1 इंच ऊपर कट करा है, ताकि आपका कोरिएंडर फिर से रीग्रो हो सके और सेकेंड टाइम इससे भी ज़्यादा आपको प्रोडक्शन दे सके। आप भी अपने घर पर इस तरह से ऑर्गेनिक हेल्दी जीरो केमिकल कोरिएंडर उगा सकते हैं और आपके जीवन को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। पॉट में अब सिर्फ कोरिएंडर का क्राउन रह गया है, तो आप फिर से इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं 1-2 दिन बाद, और ये फिर से रीग्रो होंगे। धनिया उगाने का बहुत बेहतरीन तरीका होता है दोस्तों, आप मल्टीपल पॉट्स में धनिया ग्रो करें। इससे आप एक बार हार्वेस्टिंग कर लेंगे किसी पॉट की, तो नेक्स्ट दूसरे पॉट में हार्वेस्टिंग रेडी रहेगी, तो आपको ऐसे कभी धनिया की कमी नहीं होगी जैसे हमने यहाँ पर करा। कोरिएंडर हैक नंबर 5, ये है दोस्तों पोटली सिस्टम, जिसमें आपको आपका रिजल्ट 5 दिन में नज़र आने लग जाएगा। आपको कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें धनिया डालना है, पोटली बनानी है, और बस उसको आप वर्मी कंपोस्ट के इस ढेर के अंदर दबा दीजिए। धनिया को अगर एक्स्ट्रा गर्मी दी जाती है तो वो बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं, और वर्मी कंपोस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो एक टाइप का फर्टिलाइज़र है। फाइनली हमारी पोटली के ऊपर हम पानी डालेंगे, अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन करेंगे और इसको शेडी एनवायरनमेंट में रख देंगे। आफ्टर 5-7 डेज हमारे कोरिएंडर के सीड्स ग्रो होने लग गए। यहाँ पर कुछ प्लांट बाहर नज़र आ रहे हैं और ये रही इनकी जड़ें। चलिए पोटली बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं क्या रहता है रिजल्ट। ओ माय गॉड, इतनी सारी रूट्स। फाइनली हमारे कोरिएंडर ग्रो हो गए दोस्तों, और ये 5-7 दिन का ही रिजल्ट है। धनिया की रूट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, तो इनको सेपरेट करने में कुछ टूट जाएगी, बट डोंट वरी, प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा और वो हेल्दी रहेगा और अच्छे से ग्रो होगा। अब आप अपने धनिया को लीजिए और स्प्रिंकल कर दीजिए अपने पॉट के ऊपर। बस आपको इतना सा काम करना है, और बस उसके ऊपर मिट्टी डालिए और वेट करिए प्लांट के रीग्रोथ का। मॉइस्चर मेंटेन करके रखना, और जब तक न्यू ग्रोथ नज़र नहीं आती है प्लांट को सनलाइट में मत रखना। और इसका रिजल्ट ये रहा, 20 दिन के बाद हमारे सारे कोरिएंडर ग्रो हो चुके हैं और कितने ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं। हमारे कोरिएंडर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, और एक ही मंथ में इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। अब देख सकते हैं कितने ज़्यादा हेल्दी हमारे कोरिएंडर हो गए हैं, अब इनको हार्वेस्ट करने का समय आ गया है। तो क्या कहते हो दोस्तों, 1-स्टॉप सॉल्यूशन बना दिया ना मैंने कोरिएंडर का। नेक्स्ट वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।